हेलो ऑल, हाउ आर यू? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। आज तारीख है 15 अगस्त और प्लान बन रहा है चंद्रमुखी टेम्पल का जाने का, क्योंकि आज संडे है। लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय बाइक। एक्चुअली दिस इज माय फर्स्ट फर्स्ट राइड, नॉट फर्स्ट राइड बट लॉन्ग फर्स्ट राइड। सो फाइनली ऑन माय लेफ्ट यू कैन सी बालाजी टेम्पल और बालाजी की मूर्ति। आप देख सकते हो 20 to 25 feet बड़ी है। और ये हम फाइनली पहुंच गए सनमुखा टेम्पल। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम यहाँ पे सनमुखा स्वामी जी के टेम्पल पहुंच गए हैं। आप यहाँ पे आसपास का व्यू देख सकते हो। फिर हमने यहाँ पे सबसे पहले हमारे पंचमुखा गणेश जी के दर्शन किए। यहाँ मंदिर की खासियत ये है कि जो हमारे गणेश जी है वो पंचमुखा है। सो आप भी पंचमुखा गणेश जी के दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे वो मूषकराज के साथ विराजमान थे। देन हमने यहाँ पे महादेवा के दर्शन किए। महादेव जी के दर्शन करने के बाद हम श्रृंगागिरी हिल के ऊपर सनमुखा स्वामी टेम्पल के ओर जाना हमने स्टार्ट कर दिया। ये हमारा जो सनमुखा स्वामी टेम्पल है वो हमारे श्रृंगागिरी हिल के ऊपर विराजमान है। और ये हिल में नियरेस्ट अबाउ 200 steps जितना है। सो हम वहाँ पे जा रहे हैं। अभी धीरे धीरे बेंगलोर में रेन स्टार्ट हो रही है। हम जानते हैं बेंगलोर में रेन का मतलब है एनी टाइम एनी वेयर। ओके, सो हम यहाँ पे फाइनली पहुँच गए हैं हमारे सनमुखा स्वामी जी के टेम्पल के ऊपर। आसपास का व्यू आप देख सकते हो, फुली स्काईली फुली रेनी। हम अभी उसको फील कर रहे हैं। धीरे धीरे रेन स्टार्ट हो रही है। सो हम यहाँ पे टेम्पल के अंदर आ गए हैं। रेनी सीजन होने के बावजूद भी आप टेम्पल की क्लीननेस देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले सनमुखा स्वामी जी का शिला लेख है। देन आफ्टर यहाँ पे हमने उनके दर्शन किए। सो ये है हमारे सनमुखा स्वामी जी। जैसे कि हम जानते हैं कार्तिकेय जी का दूसरा नाम है सनमुखा स्वामी। देन हमने यहाँ पे मंदिर की प्रदक्षिणा करनी स्टार्ट की। यहाँ पे हमने शास्त्रीय संगीत का भी बहुत आनंद उठाया। और यहाँ पे एक और म्यूजियम जैसा था कि जिसमें बहुत सारी पुरानी मूर्तियाँ थी, बहुत सारे पुराने ग्रंथ थे, हमारे धार्मिक ग्रंथ थे, बहुत सारे पुराने हमारे पोस्चर थे। सो हमने थोड़ा उनका भी आनंद उठाया, थोड़ा फोटो क्लिकिंग भी की। तो आप देख सकते हो इसकी प्रदक्षिणा के दौरान भी कितना बड़ा ये मंदिर होगा, कि जितना ऑर्बिटल एरिया भी कितना बड़ा है। ठीक है, फिर आप जब भी ये प्रदक्षिणा कंप्लीट करते हो तब वहाँ पे सनमुखा स्वामी के सन्मुख दर्शन करने का आपको आनंद मिलता है। सो हमने आज हमारे सौभाग्य से यहाँ पे हमने सनमुखा स्वामी के संपूर्ण दर्शन किए, सन्मुख दर्शन किए। तो ये है हमारे सनमुखा स्वामी जी। सो इसके दर्शन करने के बाद हम मंदिर से एक्सिट कर रहे हैं। वहाँ पे भी हमारे सनमुखा स्वामी विराजमान है, उनके हमने दर्शन किए। देन अब हम आ गए हैं हमारे श्रृंगागिरी हिल के ऊपर। यहाँ पे भी गणेश जी का मंदिर था लेकिन वो क्लोज था। सो आप ऊपर देख सकते हो सनमुखा स्वामी जी का स्टेच्यू। ये 6 faces स्टेच्यू है, मतलब हर एक डायरेक्शन में उनका एक फेस है। ठीक है, ये श्रृंगागिरी हिल के ऊपर है। आप आजू बाजू आसपास का पूरा व्यू देख सकते हो। देन रेन धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। सो अब हम मंदिर से और हिल से नीचे की ओर जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे शंकर जी का डमरू विथ त्रिशूल विराजमान है। फाइनली यस के लिए थी। यस, मस्त अच्छा प्लेस था, है ना, फॉर फोटोग्राफी, फॉर व्लॉगिंग, फॉर मेंटल पीस, फॉर
ब्यूटी ऑफ नेचर, टू फील ब्यूटी ऑफ नेचर, फॉर लव ऑफ महादेव, महादेव महादेव। बारिश स्टार्ट हो गई है, अभी बजे है 6:50। हाँ 6:50। और यहाँ के जो स्टेयर्स है वो मतलब स्लीपरी है, बहुत ही ज़्यादा स्लीपरी है। बारिश में बहुत ज़्यादा अच्छे से चलना पड़ेगा, वरना स्लिप होकर गिर जाओगे आप। हेलो गाइस, सो फाइनली हम घर पे पहुंच गए हैं। और आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता। हेलो गाइस, अगर आपको हमारी जर्नी पसंद आई है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और हम जो मतलब कर रहे हैं वो पसंद आ रहा है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और हमारी मतलब कोशिश रहेगी कि हर एक वीक में दो वीडियो तो पक्का हम डालें, और पूरे बेंगलोर की जो जो मतलब हिस्टोरिकल जो प्लेसेस है वो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपके साथ शेयर करें। और आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो करना ही है। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो हमारा वीडियो तो सब्सक्राइब तो करना ही है और लाइक तो करना ही है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है हर एक नया वीडियो बनाने के लिए, हमें मोटिवेशन मिलता है जो भी हम कर रहे हैं उसके लिए, और आपके लिए भी अच्छा होगा क्योंकि आप सब्सक्राइब और लाइक करोगे तो हमारे वीडियोस जब भी हम नए डालेंगे तो आपको रिकमेंड होंगे, तो ये दोनों के लिए अच्छा है। और थैंक यू एंड बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड बी सेफ। बाय बाय।